और चैनल। आज हम आपको पनीर की सब्जी बताने वाले हैं। पनीर की सब्जी हम टमाटर से किस तरीके से कितना टेस्टी बनाएंगे आज हम वो आपको दिखाते हैं। यहाँ हमने ले लिया है 1 पाव पनीर है हमारे पास, इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे, ऐसे काटेंगे। ये देखिए हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से काट लिया है। अब इसे हम फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल ऑयल डालेंगे और इसे बनाने के लिए हम 3 प्याज लिए हैं और 4-5 टमाटर, इसका हम प्यूरी बना लेंगे, प्याज का भी और टमाटर का भी। इधर हम कढ़ाई को रख दिए हैं, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें हम पनीर को फ्राई करेंगे। ये देखिए हम सारे पनीर को इसमें डालेंगे और इसे थोड़ी देर ऐसे छोड़ेंगे, उसके बाद पलट देंगे। पलट कर इसको हल्का सा गोल्डन होने तक करके निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए ये हमारी पनीर थोड़ा गोल्डन हो गई है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ हमारी प्यूरी तैयार हो गई है, टमाटर और यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट हमने बना लिया है। यहाँ सारे मसाले को हमने रखा है, इसमें जो जो मसाला ऐड करेंगे। तेल में हम जीरा और तेज़पत्ता डालेंगे, तेज पत्ते से सुगंध अच्छी आती है। इसमें हमने 3 कटी हुई प्याज को डालकर हल्का गोल्डन होने तक पकाएंगे। देखिए हमारी प्याज गोल्डन हो गई है, इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन और मिर्चा तीनों का पेस्ट बनाया है, इसको डालेंगे, इससे सुगंध बहुत अच्छी आती है। ये हमारा हो गया है, इसमें हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, नमक स्वाद के अनुसार हमने मिक्स कर दिया है। देखिए हमारा मसाला पक गया है, इसमें हम प्याज की जो प्यूरी बनाए थे उसे डालेंगे, इसे थोड़ी देर पकाएंगे। हमारी प्याज की प्यूरी पक जाएगी, देखिए मसाला कितना अच्छे से पक रहा है। यहाँ देखिए अब ये हो गया है, मसाला पक चुका है। अब इसमें हम टमाटर को डालेंगे,
प्याज को अच्छे से पकाने के बाद ही टमाटर को डालें। तो फ्राई किए तो उसको डाल देंगे, डाल के मिक्स करेंगे। थोड़ी देर इसे भी पकने देंगे, उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसमें हम पानी को घोल के डाल दिया है, जैसे जो टमाटर था और प्याज वाला, ये थोड़ा पक जाए उसके बाद हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। हमें जितनी ज़रूरत होगा उतना ही ग्रेवी बनाएंगे, बहुत पतला भी ना हो और बहुत गाढ़ा भी ना हो। इसे हम चावल और रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको रोटी के साथ खाना हो तो इसे थोड़ा ठीक बनाइए, और चावल के साथ खाना हो तो थोड़ा सा पतला होना चाहिए।